हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोग बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम लेक्चर नंबर 3 में टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं या मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रेशन। सो देर आर मेनली 4 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। उसमें फर्स्ट जो है वो है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, सेकंड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब है प्रोडक्ट रूल, जो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल था, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोला जाता है। तीसरा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, एंड फोर्थ विल बी मिसलेनियस, और इसको हम इन शॉर्ट कुतुरपुतुर भी बोलेंगे, कुतुरपुतुर, ठीक है, ऐसे एक फनी नेम दिया गया है, तो मिसलेनियस कह सकते हैं आप इसको। तो अब हम एक एक करके इन सारे मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन fx dx, ऐसा एक फंक्शन आपको दिया गया होगा इंटीग्रेंड fx dx, तो वी विल पुट x इक्वल टू phi t, मतलब कोई phi फंक्शन है, t वेरिएबल है उसमें, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी phi dash t dt, और ये वैल्यू उठाकर आप यहां पर पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन f ऑफ x की जगह आपने phi t रखा इंटू फाइ डैश टी डी टी। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई वैल्यू। सब्स्टिट्यूशन हमेशा एक ऐसा फंक्शन रहेगा जो हम एक्स की जगह पुट करेंगे जिससे दिया गया इंटीग्रेंड इजीली सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बिना सोचे समझे रख दो कि एक्स की जगह ये पुट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेंड जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं उसका एकमात्र एम होता है इंटीग्रेंड को इजीली सॉल्व करके या सिंप्लीफाई करके उसको इंटीग्रेबल बनाना, इजीली इंटीग्रेबल बनाना। अगर आप मतलब कुछ भी बिना सोचे समझे पुट कर देंगे एक्स की जगह तो हो सकता है कि आपका इंटीग्रेंड और ज्यादा टफ हो जाए, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल समझते हैं कि इंटीग्रेंड को किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इजी बनाया जा सकता है। तो देखिए 51, अभी तक हम लोग पहले दो लेक्चर में 50 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 51, या इससे पहले भी हम कुछ रिजल्ट्स ले लेते हैं, इसको क्वेश्चन नहीं मानते, ठीक है। जैसे रिजल्ट 1, मान लो कि आपके सामने ऐसा आया कि भाई इंटीग्रेशन एफ एक्स होल टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये आ गया, इसे आपको सोल्व करना है। तो आप इजीली देख सकते हो कि अगर हम एफ एक्स को टी मान लें, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो एफ डैश एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो डी टी बन जाएगी। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन टी टू द पावर एन डी टी। तो हमने सब्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा किया जिससे हमारा जो इंटीग्रेंड है वो इजीली इंटीग्रेबल हो गया, और इसका तो पता ही हमें क्या होता है t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। लेकिन यहां पर आपको वापस से t को जो आपने माना था x के टर्म में वही पुट करना पड़ेगा, तो एफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये इसका हो गया रिजल्ट 1। एक और समझो, सेकंड जो मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया भी था हालांकि, लेकिन वहां पर बिना सब्स्टिट्यूशन के बताया था, अब मैं उसको वापस बताने जा रहा हूं। जैसे आपके सामने ये आ गया कि भाई एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट न्यूमरेटर में रखा है, तो इसका आंसर होगा ln मोड
एफ एक्स यानी कि एल एन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। तो इसको ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसके कई सारे एप्लीकेशन जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डीएक्स। सो पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टी। जब हम एफ एक्स को टी रखेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी। तो वन अपॉन टी डी टी, और वन अपॉन टी डी टी मतलब एल एन मोड टी प्लस सी, वन बाई टी का इंटीग्रेशन बाई एल एन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स होता है, तो वन बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो एल एन मोड एक्स हो गया। तो एल एन और मोड एक्स मतलब मोड टी, टी किसको माना था, एफ एक्स को। तो एल एन मोड एफ एक्स प्लस सी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी कभी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट न्यूमरेटर में रखा हो तो आपके उस क्वेश्चन का आंसर लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर होगा। जैसे आप लोगों ने साइन एक्स का और कोस एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा, लेकिन अगर ध्यान दिया हो आपने तो हमने अभी तक टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, कोट एक्स का भी नहीं पढ़ा, सेक एक्स का भी नहीं पढ़ा और कोसेक एक्स का भी नहीं पढ़ा। तो वो चारों इंटीग्रेशन हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। और वो चारों फॉर्मूलाज हैं, मतलब आप इनको एप्लीकेशंस भी कह सकते हो इस फॉर्मूला की, और एप्लीकेशंस ऑफ दिस फॉर्मूला और दिस रिजल्ट। तो पहली जो एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स। देखो भाई, टेन एक्स जो है वो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है। अब कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहां तो साइन एक्स लिखा हुआ है, मतलब डिनोमिनेटर का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में नहीं है। तो आप यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। अब आप देखो कोस एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखा हुआ है, और अगर कोस एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखा हुआ है तो लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, तो माइनस एल एन मोड कोस एक्स प्लस सी, और इसे आप एल एन मोड सेक एक्स प्लस सी ऐसा भी बोल सकते हो। ये आपको जो चार फॉर्मूले बनेंगे ये याद करने हैं, रिमेंबर ये चारों याद रखने हैं। सेकेंड क्या होगा, इंटीग्रेशन कोट एक्स डी एक्स, कोट एक्स। तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट न्यूमरेटर में रखा है कि नहीं रखा है, तो लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, तो एल एन मोड साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। तीसरा देखो, अभी हमने sec x का भी नहीं देखा है, sec x का, तो इंटीग्रेशन sec x dx, तो sec x, देखो इसमें हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec x plus tan x से मल्टीप्लाई कर लिया, sec x plus tan x से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, फायदा देखो, अगर आप डिनोमिनेटर को टी मानते हो, यानी कि पुट sec x plus tan x जो डिनोमिनेटर में है इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएशन कर दोनों साइड का, तो sec x tan x, sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है, प्लस tan x का हो गया sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। sec x कॉमन ले लो, sec x कॉमन लेने के बाद में क्या बना, tan x plus sec x dx is equal to dt। मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट न्यूमरेटर में रखा हुआ है, तो log of the denominator यानी कि ln mod sec x plus tan x plus c।
तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, एक तो ये होता है जो हमें याद रहना चाहिए, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये याद करना है, ठीक। अच्छा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू एल एन, हमने इसको साइन कोस में चेंज कर लिया, तो ये सेक एक्स को लिखा 1 बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस सी, लिख सकते हैं सर। तो एल एन मोड 1 को लिख लिया कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स की जगह ले लेंगे 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, तो ऐसा करने से ये जो न्यूमरेटर में लिखा है ये कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है, बोलो है कि नहीं। अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाओ, कोस एक्स को क्या लिख सकते हो आप, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का मोड प्लस सी एल एन। देखो न्यूमरेटर में कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी क्या बना कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, जो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो एक पावर जो है कैंसिल होके न्यूमरेटर में तो बचा कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और डिनोमिनेटर में कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है। अगर आप इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दो, तो ये 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी, करेक्ट है। तो ये क्या बन गया, एल एन मोड, देखो किसका फॉर्मूला, ये याद है सबको, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। तो इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स, ये भी एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद होना चाहिए। तो सेक एक्स के भाई दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और एक होता है एल एन टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। अब कौन सा बचा, कोसेक एक्स। चलिए फोर्थ एप्लीकेशन देखते हैं हम, तो फोर्थ एप्लीकेशन आ रही है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डीएक्स, क्योंकि ये फॉर्मूला भी अभी तक हमारे सामने नहीं आया था। तो इसमें हमने क्या किया, कोसेक एक्स तो था ही, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब न्यूमरेटर में भी कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी, तो यहां भी कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स हो गया इनटू डीएक्स। अब अगर आप डिनोमिनेटर में जो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स है इसको टी मानते हो, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर रखा हुआ है, तो ये बन जाएगा एल एन मोड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस। तो आपके पास एक फॉर्मूला तो कोसेक एक्स का ये होता है, कोसेक एक्स इज इक्वल टू एल एन कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। और अगर आप इसे जैसे हमने सेक वाले में चेंज किया था साइन कोस में चेंज करते हो, तो ये एल एन मोड टेन एक्स बाई टू भी आ जाता है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप कर ही लोगे इसको, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो कोसेक एक्स के भी सेक की तरह दो फॉर्मूले होते हैं, कोसेक एक्स का दूसरा फॉर्मूला होता है एल एन मोड टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सेक के दोनों और कोसेक के दोनों। तो कुल मिला के हमने अभी तक के अपने डिस्कशन में ये समझा कि भाई सब्स्टिट्यूशन जो है वो कब करना चाहिए, जब नीड हो सब्स्टिट्यूशन से हमारा इंटीग्रेंट जो है, यानी कि वो फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो इजी बन जाए। दूसरा, हमने साइन और कोस का तो इंटीग्रेशन पढ़ लिया था, लेकिन टेन कोट सेक और कोसेक का इंटीग्रेशन हमारे बेसिक फॉर्मूलाज में नहीं आया था,
जो अब आया है, तो वो भी हमने चारों फॉर्मूले कर लिए हैं। तो पहले अब इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। तो इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट 51 इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, मान लो आपको क्वेश्चन ये दिया गया कि भाई कोस ln x अपॉन x dx इसका इंटीग्रेशन करो। तो आप देखो यहां पर आपको किसको t मानना चाहिए, दिख गया ln x को, सीधी सी बात है। तो पुट ln x इज इक्वल टू t, जब आपने ln x को t माना तो 1 अपॉन x, यहां डिफरेंशिएशन करना तो ध्यान रखना, 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, cos ln x को आपने t माना था तो cos t, और ये dx अपॉन x, dx अपॉन x, इस पूरे की जगह क्या आ गया अपने पास dt, और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t plus c, और t आपने किसको माना था ln x को, तो sin ln x plus c, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं। अब हम कम से कम 25-30 क्वेश्चन इस पे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि आप कंफर्टेबल ना हो जाएं, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52 इवेल्युएट इंटीग्रेशन tan ln x अपॉन x dx, ये तो ऐसे ही आ गया जो बिल्कुल अभी हमने किया था। 53 इंटीग्रेशन 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस cos x dx। 54 इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस ए डीएक्स। तो भाई पहला वाला जो क्वेश्चन है ये तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ये तो अभी किया था सेम, एलन एक्स को टी मान लेंगे इसमें, तो है ना। तो देखो 53 लेट आई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। तो इसे हम अगर ध्यान से देखें तो इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स, अलग अलग के बाई कर लिए। अच्छा ऐसा करने से हमें फायदा क्या होगा, 1 अपॉन ये जो 1 माइनस कोस एक्स है ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस, और जो सेकंड वाला है यहां पर देखो 1 माइनस कोस एक्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट न्यूमरेटर में रखा हुआ है, तो इसे क्या लिख दोगे ln मोड 1 माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये बन गया 1 बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डीएक्स प्लस ln मोड ऑफ 1 माइनस कोसेक्स प्लस सी, और कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का माइनस कोट एक्स बाई 2 माइनस कोट एक्स बाई 2 और इंटू 2, तो यह आ जाएगा 2 माइनस का 2 कोट एक्स बाई 2 प्लस ln 1 माइनस कोस एक्स प्लस सी, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या हुआ माइनस कोट एक्स बाई 2 प्लस ln मोड ऑफ 1 माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन नंबर आपका 53 हो गया। 54 एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो 54 को,
देखो 54 लेट आई इक्वल टू कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस ए, ये डीएक्स। तो अगर ये कोस एक्स माइनस ए न्यूमरेटर में होता तो फिर हम उसको एक्सपेंड करके और अलग अलग के बाई करके सोल्व कर ही लेते, लेकिन अभी तो डिनोमिनेटर में है तो एक्सपेंड करेंगे तो कोई फायदा तो होगा नहीं। इसे हमने क्या किया, पुट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टी, दोनों तरह का डिफरेंशिएशन किया तो डीएक्स इज इक्वल टू डी टी। और यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स की वैल्यू आपके पास टी प्लस ए ये आ गई। तो इंटीग्रेशन कोस एक्स की जगह आपने ले लिया टी प्लस ए अपॉन कोस टी और डीएक्स की जगह तो डी टी बन गया है। अब ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो कोस टी कोस ए माइनस साइन टी साइन ए अपॉन कोस टी डी टी। इंडिविजुअल के बाई कर लो तो कोस टी से कोस टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां तो केवल कोस ए बचा जो कि कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन तो हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस यहां से साइन ए बाहर आ जाएगा और यहां पर माइनस साइन टी अपॉन कोस टी ये इंटीग्रेशन के अंदर बचा, कोस ए बाहर आ जाएगा और वन का हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में टी। तो ये तो हो गया भाई टी कोस ए, टी कोस ए प्लस साइन ए इंटू। अब देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट न्यूमरेटर में रखा है, यहां पर कोस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होता है, ये हो गया एल एन मोड कोस टी प्लस सी, और टी आपने जिसको माना था अब वो आंसर आप टी की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो टी क्या था, टी इज एक्स माइनस ए, तो जहां भी टी है वहां पर एक्स माइनस ए, याद रखना भाई टी की वैल्यू वापिस से पुट करनी होती है। तो एक्स माइनस ए कोस ए प्लस साइन ए इंटू एल एन कोस एक्स माइनस ए प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 इवेल्युएट इंटीग्रेशन आई इक्वल टू एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। तो व्हाट वी डू इन दिस, क्या करेंगे भाई, किसको टी माने, देखो ध्यान से, पुट एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी, इसको टी मान लो, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करो, तो एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स का हो जाएगा वन और ये जो कोस एक्स है इसको हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो एक्स कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ये आ गया। एक्स कोस एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन सिंपली क्या बन गया, डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टी प्लस सी। तो माइनस वन अपॉन टी आपने किसको माना था, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, भाई समझ में आ रहा है ना, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है हर क्वेश्चन को पोज करके सॉल्व कर रहे होगे। साइन 2x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x,
लेकिन जितनी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों, सारे वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन आपको करना है, भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाए लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितनी भी कैटेगरी के हो सकते हैं ऑल द क्वेश्चन विल बी कवर्ड। तो आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत अच्छे से। अब इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, हम इसमें क्या पहचान पा रहे हैं, नीचे जो दो एंगल दिए हैं उनका डिफरेंस ही न्यूमरेटर में है। तो मैं इस 2x को ऐसे लिख सकता हूं 5x माइनस 3x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x dx। तो न्यूमरेटर में आप साइन ए माइनस बी लगा दो, तो साइन ए कोस बी, यानी कि साइन 5x कोस 3x माइनस कोस 5x साइन 3x अपॉन साइन 5x साइन 3x। साइन 5x से साइन देखो अलग अलग के बाई करेंगे, साइन 5x अपॉन साइन 5x तो कट जाएगा, तो कोस 3x अपॉन साइन 3x ही क्या बना, कोट 3x dx। ये तो पहला इंटीग्रेशन माइनस, यहां साइन 3x से साइन 3x कैंसिल होगा तो यहां आएगा कोट 5x dx। और कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, ln साइन x होता, तो ये हो जाएगा ln मोड साइन 3x। लेकिन यहां पर x का कोएफिशिएंट 3 है तो 1 अपॉन 3 भी करना पड़ेगा क्योंकि 3 से डिवाइड होगा, और यहां जाएगा माइनस 1 अपॉन 5 ln मोड साइन 5x प्लस सी। ये इसका आंसर 56। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन ले लेते हैं, ये अक्सर बोर्ड में तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। सिक्स पे आ गए हैं, फिफ्टी सेवन देखो भाई, 57। इंटीग्रेशन आई इक्वल टू dx अपॉन कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी, ये इंटीग्रेशन करना है। तो अगर किसी बच्चे के मन में ये आ रहा हो कि हम तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे डिनोमिनेटर में, तो फिर क्या हो जाएगा, उससे कोस ए प्लस कोस बी बन गया, फिर वो अलग अलग तो होगा नहीं कहीं, तो उसका इंटीग्रेशन तो नहीं कर पाओगे। तो इस ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी जो टेक्निक लगेगी उसको ध्यान से देखो। देखो मैंने क्या किया यहां पर, साइन ए माइनस बी से डिवाइड किया और साइन ए माइनस बी से ही मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी एज इट इज। और बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों किया आपने, ऐसा कैसे मन में आपके आया, दूसरा आपने साइन ही क्यों लिया, कोस क्यों नहीं लिया, है ना ऐसा। देखो इसका आंसर आपको अभी इसी स्टेप में मिल जाएगा। ये जो साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, क्या मैं इसको साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए ऐसा लिख सकता हूं, और डिनोमिनेटर एज इट इज डी एक्स। तो मैंने किया क्या, एक्चुअली एक्स ऐड किया, एक्स सबट्रैक्ट किया। ये जो एक्स माइनस बी है इसको सोचो मन मन में कैपिटल ए,
और एक्स माइनस ए को कैपिटल बी। तो अब आप ध्यान से देखो, ये साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, साइन ए माइनस बी, तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी, ये तो ऐसे कैसे, और जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस बी इंटू कोस एक्स माइनस ए माइनस कोस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी डीएक्स। अब क्या करोगे, समझ गए होगे ना, इंडिविजुअल को बाई करेंगे, तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी, तो ऐसे कैसी। देखो अब मैं आप लोगों के एक क्वेरी का और आंसर देता हूँ कि बच्चों के मन में लग रहा होगा कि हमने साइन से क्यों मल्टीप्लाई किया, कोस से क्यों नहीं किया। तो अगर कोस से करते, कोस ए माइनस बी से, तो कोस एक्स माइनस वाई बनता ऊपर, जिसमें कोस ए कोस बी प्लस साइन साइन बी लगाना पड़ता, तो फिर दोनों साथ एक साथ ही कोस कट जाते, दोनों एक साथ साइन बच जाते, तो फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए साइन करना जरूरी है। तो कोस एक्स माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो पहला टर्म जो बचा है यहां पर वो बचा टेन एक्स माइनस बी, माइनस यहां पर बचेगा टेन एक्स माइनस ए डीएक्स। अब ये दोनों का इंटीग्रेशन इजीली हम कर सकते हैं, तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज, पहले वाले का इंटीग्रेशन हो गया माइनस एल एन मोड कोस एक्स माइनस बी, टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एल एन कोस एक्स होता है, और ये आएगा माइनस माइनस प्लस एल एन साइन एल एन कोस, सॉरी एल एन कोस एक्स माइनस ए प्लस सी। इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वन अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज, और ये बन गया एल एन मोड ऑफ कोस एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस बी प्लस सी आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 57 था, 58 देखो, तो अभी तक हमने टोटल 7 क्वेश्चन कर लिए इसके ऊपर, 7 के 7 डिफरेंट कैटेगरी थे। अब नेक्स्ट देखो, इसमें भी कुछ डिफरेंट लग रहा है आपको, इंटीग्रेट टेन 3x इंटू टेन 2x इंटू टेन एक्स डीएक्स, ये इंटीग्रेशन हमें करना है। तो भाई इसे आई मान लिया, लेट आई इक्वल टू, ये जो tan 3x इंटू टेन 2x इंटू टेन एक्स है, इसे मैं सबसे लिख सकते हैं tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इंटू dx। अब बच्चे इसको देख के सरप्राइज होंगे, ये कहां से लिख दिया सर आपने, ऐसे कैसे कर दिया। अगर ऐसे लिख सकते तो फिर तो हो ही गया ये क्वेश्चन, है कि नहीं भाई। फिर तो इंटीग्रेशन tan 3x भी आपको पता है, माइनस इंटीग्रेशन टेन टू एक्स भी पता है, और इंटीग्रेशन टेन एक्स भी पता है, लेकिन मेन मुद्दा तो यही है कि इसको कैसे कैसे करेंगे, ऐसा है, ऐसे ही था ना। तो देखो भाई, चलो इसका आंसर लिख देता हूं एक बार, एल एन सेक थ्री एक्स बन जाएगा ये, अपॉन थ्री में वन बाई थ्री, माइनस वन बाई टू, ये एल एन मोड सेक टू एक्स हो जाएगा, और माइनस एल एन मोड सेक एक्स प्लस सी। अब आपकी इस शंका का समाधान कर देते हैं कि इसके बाद मैंने ये कैसे लिख दिया डायरेक्ट। देखो 3x को आप लिख सकते हो 2x प्लस एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि tan 3x इज इक्वल टू tan 3x को लिख लिया 2x प्लस एक्स, या ऐसा समझ लो कि हमने दोनों साइड में tan ले लिया। तो ये tan 3x तो ऐसे कैसे ही, और राइट साइड में आप tan a प्लस बी लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा tan 2x प्लस tan x
अपॉन वन माइनस टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल रहा है, टेन एक्स टेन थ्री एक्स माइनस टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स। तो आप देख लो टेन टू एक्स और टेन एक्स को आप इधर लाओगे लेफ्ट में और इसको जो मल्टीप्लाई में राइट में ले जाओगे तो प्रूफ हो गया। समझे नहीं समझे? और ये जो है यहाँ पर एक बात और याद रखने की, ये केवल थ्री और टू के लिए नहीं है। जब भी कभी आपके सामने ऐसे तीन एंगल में दे रखो प्रोडक्ट टेन में कि दो का सम तीसरे के बराबर हो, तो हमेशा यही यही वाला कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। ये आपका 58 था, 59 देखिए, 59 मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स इंटू रूट 5 प्लस टेन एक्स डीएक्स। तो इसमें क्या करें, तो इसमें कर लो पुट 5 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएशन करो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो क्या बन गया इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स और डी एक्स मिलकर तो डी टी बन गया, तो बस रूट टी डी टी। रूट टी मतलब टी की पावर 1/2, तो टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। सो 2/3 और टी हमने किसको माना था 5 प्लस टेन एक्स पावर 3/2 प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60। इंटीग्रेशन ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो i मान लिया सर। अब ये करना है x प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक तो तरीका इसमें ये है कि आप x की जगह टेन थीटा रख के सॉल्व कर लो, लेकिन अगर थोड़ा सा और ज्यादा कॉमन सेंस लगा, थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो पुट ln x प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इसी टी मान लो। जब आप इसको टी मान करो डिफ्रेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करो तो वन अपॉन एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, पहले तो ln x का हुआ तो 1/x हो गया इनटू, अब इसका करेंगे एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो x का तो 1 हो गया प्लस इसका क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2 रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखना भाई ध्यान से, तो 1 अपॉन एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहां पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम आ गया रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहां हो गया रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो न्यूमरेटर से ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो गया, तो
तो हमारे पास बचा क्या, dx अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। तो देखो जो एक्चुअली ln वन ये तो पूरा आपने t माना था, तो t dt बस। देखा ये है सब्स्टिट्यूशन का फायदा, और t dt मतलब t स्क्वायर बाई टू प्लस c, तो वन बाई टू, और t हमने किसको माना था ln x प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ये हो गया ln स्क्वायर x प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्लियर 61 मान लो कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन i इक्वल टू रूट कोस एक्स अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ऐसा है। dx, ओके। तो इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन देखो रूट एक्स कोस एक्स एलसीएम आ गया, तो यहां क्या हो गया, यहां आ जाएगा कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स और dx। नाउ पुट x cos x इक्वल टू t, जब x cos x को t मानेंगे डिफरेंशिएशन करो, तो cos x इंटू एक्स का वन हो गया माइनस x sin x dx इज इक्वल टू dt। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया भाई, डी टी अपॉन रूट टी, और ये तो मैंने आपको बोला था कि डी एक्स अपॉन रूट एक्स जब गए तो टू रूट एक्स होता है, याद रख लेना, याद नहीं भी हो तो भी आपको पता ही है वन अपॉन रूट टी कैसे करते हैं, तो ये आ जाएगा टू रूट टी मतलब टू रूट एक्स कोस एक्स प्लस, ये इसका आंसर हो गया। ओके यहां तक भाई 61, 62 देखो, 62 इंटीग्रेशन आई इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर सिक्स डी एक्स, ये हमें इंटीग्रेशन करना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस, ये जो एक्स की पावर सिक्स है बेटा इसे हम एक्स क्यूब का स्क्वायर dx ऐसा लिख सकते हैं, तो पुट x क्यूब इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन कर दो तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 बाई 3 dt, तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह तो 1 बाई 3 डी टी हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर जो है वो क्या होता है टेन इनवर्स टी, तो टेन इनवर्स टी प्लस सी, सो 1 बाई 3 टेन इनवर्स टी किसको माना था हमने एक्स क्यूब को प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया।
तो बच्चों मैं आप लोगों को 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ कि भाई हाँ ये आप ये लेक्चर जो है पर्टिकुलर आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब मैं वो 10 क्वेश्चन आपको शो कर रहा हूँ, उन सभी 10 क्वेश्चंस को आप अच्छे से सोल्व करो खुद, और उनके जो आंसर्स हैं वो मेरे साथ शेयर करना, ठीक है? क्योंकि मान लो मैं सारे क्वेश्चन करता चलूं और आप लोग सोल्व ही ना कर रहे हो, तो फिर ये कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आपने सोल्व किए होंगे, तो जो असाइनमेंट में मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि सर हमारे आंसर आ गए हैं, ये आंसर है। और अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो वो आप वो भी मुझे बताना, तो मैं ऑफकोर्स 100% आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शेयर करूंगा। तो बच्चों आप लोगों को इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन का एक जो बेसिक पार्ट है जो हम लोग अभी इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ तक का अच्छे समझ में आ गया होगा। ये भी खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे अभी इसमें कई सारे मेथड्स और आएंगे सब्स्टिट्यूशन में ही, और कई सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग इसमें और डिस्कस करने वाले हैं। 62 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये 63 से 75 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को 13 क्वेश्चंस और दे रहा हूँ करने के लिए। आप लोग ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आप लोगों का इसमें और अच्छे से बेहतर कमांड बन सके सब्स्टिट्यूशन मेथड में। नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वापस से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही कंटिन्यू करेंगे, और बहुत सारे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो खूब दिल लगा के इंटीग्रेशन सोल्व कीजिए, जितना आप दिल लगा के इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको उतना ही अच्छे समझ में आएगा, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन उतना ही बढ़िया समझ में आएगा जितना आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मजबूत होगा। मतलब यह है कि पूरी तरीके से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मजबूत होना चाहिए, और इंटीग्रेशन में तो वैसे भी बहुत मन लगता है बच्चों का, ठीक है? तो बस मन लगाए रखिए, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।